वेलकम टू अनदर सेगमेंट जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्डप्रेस के सुपरहीरोज और हम आपको मिलवाएंगे ताकि आप उनसे सीख सकें सो यू कैन लर्न फ्राम देम सो यू कैन ग्रो विद दैम एंड यू कैन एक्चुअली वर्क विद दैम सो वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज़ कौन है वर्ल्ड प्रेस के सुपर हीरोज़ वो लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड प्रेस को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी तो बदली ही बट साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी भी बदली और साथ साथ सोसाइटी में कोई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन भी कि दीज वर्ल्ड प्रेस सुपर हीरोज़ आर ऑल अराउंड अस इंटरनेशनल तो हैं ही हैं बट साथ, साथ पाकिस्तान में वर्ल्ड प्रस के ऐसे सुपर हीरोज हैं जिन्होंने हमारा नाम मुल्क भर में बल्कि इंटरनेशनली भी रोशन किया एंड वी आर वेरी प्लीज टू हैव वन ऑफ विद अस जिनका नाम है मोहम्मद अदनान थैंक यू थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टू अदनान और मेरा क्वेश्चन इनसे है अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने अपना जो ये जर्नी है ये कैसे किया अदनान को मैं काफी अरसे से जानता हूं आई हैव बीन वेरी फॉर्चूनेट इनफ To know Adnan. और मुझे पता है कि अदनान बिलोंग्स टू सालकोट इन सालकोट और अदनान ने अपना ये वर्ल्ड प्लेस का जर्नी जो कि अब एक एजेंसी बन चुका है ये डिफरेंट मुश्किल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी के साथ किया सो आई वुड लाइक टू नो कि इस जर्नी में अदनान ने कैसे ये जर्नी स्टार्ट किया और हमें पता है कि आप गूगल के साथ स्टूडेंट एम्बेसडर भी रहे so, जर्नी आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ कैसे हुआ और आज आप अपने आप को किस मकाम पे देख रहे हैं एक्चुअली uh, मेरी जो स्टोरी है uh, वो काफ़ी लंबी है आई विल गो विद स्टेप बाई स्टेप जो uh, जब मैंने मैट्रिक किया दैट वॉज इन टू थाउजेंड तो उसके बाद छुट्टियाँ होती हैं हमारे यहाँ पे टेंथ ग्रेड के बाद तो एक कोर्स किया मैंने जिसमें वो एम एस डॉस वगैरह सिखाते थे और ऑफिस वगैरह सो वो कोर्स किया तो उसके बाद मेरी जो क्लास फेलो थे मैट्रिक में वो उन्होंने अपने भाई से वेब डेवलपमेंट सीख रहे थे वो साथ साथ तो मैंने उनको थोड़ा थोड़ा कहना शुरू किया कि यार आ, पता है स्टूडेंट्स में क्या होता है कि एक स्टूडेंट एक चीज़ सीखता है तो वो कहता है कि अच्छा यार मैं तो ये कर रहा हूँ मैं अपनी छुट्टियों में ये कर रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो तो मुझे ये क्रेज़ होता था अच्छा यार ये ये थोड़ा सा डिफरेंट सीख रहा है तो मैं कुछ इससे सीखूँ तो उसको थोड़ा सा लालच देना कि मुझे प्लीज़ अपने साथ थोड़ा आधा घंटा या पंद्रह मिनट मुझे अपने कंप्यूटर पर बैठने दिया करो एट दैट टाइम मेरे पास सेलरॉन सिक्स हंड्रेड मशीन थी जो मैंने uh, अपने अबू से बड़ी रिक्वेस्ट करके ली कि मुझे एक मशीन चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर कुछ uh, सीख सकूँ काम कर सकूँ उस पर और यह मुझे मैट्रिक के बाद मिली इवन कि मैट्रिक से पहले ही uh, मेरे पास एक सी थी जो मैंने uh, एक किसी नुमाइश पर खरीदी वो इवन कि मेरे पास मशीन भी नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने वो ले ली ताकि जब भी मेरे पास कंप्यूटर आएगा तो मैं वो मिस्टर बीन की सीढ़ी प्ले करके देखूंगा कि ये ये कैसे चलती है या इसकी जो वीडियो है हाउ दिस टेक्नोलॉजी वर्कस yes. बेसिकली बिल्कुल ठीक है तो वो जो क्रेज़ था कि मेरा दोस्त ये चीज़ सीख रहा है मैं भी वो चीज़ सीखूँ यही क्रेज़ मुझे आगे लेके गया उसे थोड़ा सा कहना कि ठीक है जो भी टाइम तुम रखोगे मैं तुमसे उसी टाइम पे आ जाया करूँगा तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने थोड़ा सा जो है ना अपने साथ मुझे भी बैठने दिया तो थोड़ा थोड़ा सीखा उससे और फिर आहिस्ता से से लर्न करना शुरू किया एट दैट टाइम इंटरनेट वॉज आई गेस ट्वेंटी रुपीज पर आवर uh, एक कार्ड होता था कार्ड होता था बिल्कुल तो उसके साथ इवन के ट्यूटोरियल्स भी कोई नहीं होते थे तो क्या करना कि जो भी वेबसाइट ओपन होती थी उसका हम मैं सोर्स कोड देखता था जाके तो इसी तरह लर्न किया कि वो जो टाइटल बार पे एनिमेशन्स चलती हैं जावा स्क्रिप्ट में वो कैसे चलती हैं मेरा गोल था कि मैं आई में एडमिशन लूँ मेरे कॉलेज में और मैट्रिक में मेरे मार्क्स कम होने की वजह से आ, मेरा मेरिट नहीं बन रहा था तो एट नाइन्थ टेंथ आ, मैं क्रिकेट खेलता रहा <laughs> तो, उस वजह से मुझे एक मैच खेलने का इतफाक़ हुआ मेरे कॉलेज में सो जब मैंने वो मैच खेला तो वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस अच्छी दी उन्होंने कहा कि इस बंदे को हम अपनी मरे कॉलेज की टीम में खिलाएंगे सो दैट्स वाई इसको आई में एडमिशन दे दिया जाए सो दिस इज़ हाउ आई गॉट माई एडमिशन इन मरे कॉलेज आई में तो आई में प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट थे ठीक है सी प्लस प्लस थी जिस तरीके से हमारे टीचर ने हमें पढ़ाई वो मेरे लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल हो गई मतलब okay. मेरा इंटरेस्ट भी था चीज़ों में टेक में ज़्यादा तो सी एस एस मेरा ये आ, रहता था कि जो टीचर करवा रहा होता था वाइट बोर्ड पर या समझा रहा होता था तो वो मैं पहले से ही घर से करके आता था या बुक में आगे जितने भी प्रोग्राम्स होते थे वो मैंने पहले ही अपने एडिटर में कर लिए होते थे तो टीचर ने एक दफ़ा एक्सप्लेन करना उसके बाद मैंने फिर पूरी क्लास को आ, वो टीच करना तो यानी आपको बहुत शौक था प्रोग्रामिंग का प्रोग्रामिंग का और साथ साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक्जैक्टली exactly. तो आ, ये ये जो चीज़ थी ये मेरे बैचलर्स तक भी चली मेरा बैचलर इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगेन आई सी एस में इवन दो के मेरा एडमिशन क्रिकेट की वजह से हुआ बट आ, मैं टीम छोड़ दी क्योंकि मेरी फैमिली में सारे एजुकेटेड थे और क्रिकेट के लिए आपको अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है ताकि आप उसको डिवोट कर सको आप आठ बजे नौ बजे तक भी आ रहे हो थोड़ी सी सोसाइटी का भी इशू होता है इवन uh, कि वो मैंने छोड़ दी फर्स्ट ईयर में मेरा ऐसा गुजर गया लेकिन uh, वो जो प्रोग्रामिंग का मेरा था चल रहा साथ साथ वो चलता रहा आई में मार्क्स कम आ गए आगे मुझे uh, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला सो so, फाइनली मेरे पास ऑप्शन यही थी कि मैं अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में चला जाऊं या वी यू में वी यू उस वक्त एक उनका फर्स्ट ईयर था एट दैट टाइम 2002 में टू में सो पहले मैं बैचलर्स किया कियाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से और फिर राइट आफ्टर दैट 2007 में मैंने एडमिशन लिया वी में एम एस में और एम एस का मेरा अभी सिर्फ आ, प्रोजेक्ट रहता है दैट इज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उसके अलावा मेरा जो कोर्स वर्क है वो कम्प्लीट हो चुका है so सो इसको अगर हम लिंक करना चाहें इट्स अ बिग टाइम हमने हम देख रहे हैं कि आप अपने जो पूरे इस एक्सपीरियंस में यू एक्चुअली स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी इंक्विजिटिव स्टूडेंट डब्ल्यू पी ब्रिगेड कैसे बना गिव uh, हमारे जो यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं ट्रेनिज हैं ये जानना चाह रहे हैं कि आपका वो जो जर्नी है उसके बीच में यू नो हाउ डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम टुगेदर 2006 में जब मैंने आ, अपना बैचलर्स कंप्लीट किया तो फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के बाद जब एग्जाम हो गए तो एट दैट टाइम मैं रेंटा uh, कोडर एक वेबसाइट थी ठीक है uh, जिसपे मैं एक्सप्लोर कर रहा था वो मुझे अपने एक दोस्त से पता चला जो मेरा रूममेट था uh, उसके सॉफ्टवेयर उसमें रेंट अ कोडर यूज़ होती थी लोग जो हैं वो उसमें uh, वो सॉफ्टवेयर बेसिकली उसी पर चलता था तो मुझे जस्ट आई गेट टू नो दैट कि रेंट ऑफ कोडर पर प्रोजेक्ट्स आते हैं ठीक है तो मैंने क्या किया कि मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया तकरीबन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी डेज के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिल जाता है लेकिन उस प्रोजेक्ट से पहले 2006 में जो मेरा 2001 से लेके सिक्स तक का जो टेन योर था उसमें मैंने काफ़ी वेबसाइट्स भी बनाई ठीक है खुद डिज़ाइन की खुद कन्वर्ट की लॉन्च भी खुद ही की इवन के डेस्कटॉप और वेब एप्स भी डॉट नेट में मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम था जो वी में था फिर एक मैंने कमर्शियल प्रोजेक्ट सेल भी किया एट दैट टाइम ट्वेंटी थाउजेंड तो ये चीज़ मेरा ये जो एक्सपीरियंस था वो जो मुझे एक फाइनल एक प्रोजेक्ट मिला दैट वाज फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट वाज अबाउट फोर ट्वेंटी फाइव डॉलर तो उसी दिन मैं सुबह अपने दोस्त को कॉल करता हूँ कि यार पहुँच जा तू बस अब हमें ये प्रोजेक्ट करना है दैट विल चेंज आवर लाइफ ठीक है तो हम दोनों ने मिल वो प्रोजेक्ट किया एंड अलहदुल्ला वो सक्सेसफुल हो गया उसके लिए मैंने क्या किया इंटरनेट से बुक्स डाउनलोड की उसको एक्सप्लोर uh, किया कि ए एस पी डॉट नेट क्या होती है इवन दो कि मैं वी बी डॉट नेट में काम कर चुका था डेस्क टॉप एप्स बना चुका था तो वो नॉलेज उधर मेरा यूज़ हुआ शुरू कहाँ से होता हूँ मैं एक पाँच डॉलर में एक साइट बनाई दो हज़ार एक में एक क्लाइंट के लिए ओनली फाइव डॉलर में इवन कि वो लॉन्च भी नहीं हुई लेकिन मैंने उसमें क्या किया कि सीखा उस प्रोसेस में उसके बाद एक पाँच हज़ार में बनाई दस हज़ार में एक वेबसाइट बनाई एंड देन बीस हजार में एक टेक्स्ट टॉप ऐप बनाई सो हाउ डिड यू डिस्कवर वर्ल्ड प्रेस वर्ल्ड प्रेस का जो है आपका जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुआ जब हमें फ्री का पहला प्रोजेक्ट मिला ना तो उसके बाद डॉट नेट में प्रोजेक्ट कम आ रहे थे तो पी एच पी में फिर थोड़ा देखना शुरू कर दिया जैसे एक बिड आती है हम पाकिस्तानी क्या करते हैं कहते हैं कि ठीक है जो भी है हमें आता है जो भी प्रोजेक्ट है हम लोग कर लेंगे पी एच पी मेरा जो थर्ड रूममेट था उसको पी एच पी आती थी आई था कि ये मैंने जो प्रोजेक्ट पकड़ा है ये वो बंदा कर लेगा अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ जिसकी बेस पे हमने वो प्रोजेक्ट पकड़ा था उसने कहा कि नहीं आ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो पी एच पी में मैंने वो प्रोजेक्ट खुद ही किया फिर वो एक सर्च इंजन था जो पी एच पी में डेवलप किया एट दैट टाइम एक क्लाइंट मिला जिसने मुझे कहा कि मुझे आ, एक वर्ल्ड प्रेस का थीम बनाना है तो ये एक शॉपिंग थीम है तो क्या तुम बना लोगे मैंने पूछा वर्ल्ड प्रेस क्या है दैट वॉज माई फर्स्ट वर्ल्ड प्रोजेक्ट

जो भी आप एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स में देखते हैं वो सारी की सारी एनालिटिक्स आप वर्ल्ड में एक डैशबोर्ड के अंदर देख सकते हैं ये सिर्फ एक डैशबोर्ड ही नहीं है इवन कि आपकी जो पोस्ट और पेजेस हैं इवन के कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं लाइक like आपकी गैलरीज हैं या आपका कोई पोर्टफोलियो है तो आप चाहते हैं कि अगर आपका एक पोर्टफोलियो जिसमें आर्ट वर्क है आप जस्ट उस आर्ट वर्क की स्टैट्स देखना चाहते हैं तो आप अपनी कस्टम पोस्ट टाइप में जाएंगे आर्ट वर्क को सिलेक्ट करेंगे और उसके नीचे एक पूरा डैशबोर्ड आ जाएगा जो सिर्फ स्पेसिफिक होगा उस आर्ट वर्क का सो आर मल्टीपल डैशबोर्ड्स और ये वर्ड uh, की जो आपकी वेबसाइट है उसको स्लो नहीं करते क्योंकि हम लोग बाय डिफॉल्ट सारी फाइल्स को uh, आपके वर्ड के ऊपर फेंक नहीं देते वो जब आपको ज़रूरत होती है जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तभी वो वेबसाइट वो आपकी जो फाइल्स हैं वो लोड होती हैं वेरी नाइस प्लग इन एनलिटिफाई जो कि डब्ल्यू पी ब्रिगेड का है विच अदनान स्टार्टिड विच अलाउज़ यू टू सी स्टेटिस्टिक्स फॉर योर फाइल्स फॉर योर पोस्ट एंड फॉर योर पेजेज एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट यूज एनालिटिक्स प्लग इन्स ऑन द इंटरनेट और जैसे कि हमने आपको टॉपिक्स में बताया कि गूगल एनालिटिक्स क्यों जरूरी है बिकॉज वट कैन बी मई इट कैन बी इम्प्रूव सो प्लीज़ एनालिटिक्स प्लग इन एनालिटिफाई अदनान का यूज़ कीजिएगा और उनको फीडबैक भी दीजिएगा बट साथ, साथ हम अदनान से एक और क्वेश्चन पूछते हैं which is about, अदनान हमें बताएं कि कौन से वो डिजिटल टूल हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं कौन से और टूल्स हैं जिनको यूज करके आप अपने लाइफ स्टाइल को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सबसे पहले तो वर्ल्ड प्रेस है ठीक है मेरी जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो सारी वर्ल्ड प्रेस के ऊपर और प्रोग्रामर uh, वो साथ साथ मेरी डेवलपमेंट चलती रहती है उसमें बिट बकेट है टीम uh, के साथ जो कम्युनिकेट करना होता है स्लैक है उसके लिए क्लाइंट्स uh, के साथ समटाइम कम्युनिकेशन स्काइप पे होती है uh, जबरदस्त और आपकी क्या एडवाइस है फॉर दंग काफ़ी हमारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि लाहौर इस्लामाबाद सियालकोट से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमसे साथ साथ सीख रहे हैं हमने एक चीज़ इनके लिए यहाँ पे क्रिएट की है कि दिस इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग एनवायरमेंट हम बिलीव करते हैं खासतौर पर वर्ल्ड प्लस के इस में कि अकेला बंदा ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ टीम सो वट एडवाइस डू यू हैव फॉर द यंग पीपल सिटिंग आउट कि वो अपनी जिंदगी के इम्पॉटेंट मरहले में स्टेप अप करने जा रहे हैं तो क्या आपकी एडवाइस है उनके लिए आई वुड से आप uh... एक चीज़ पे फोकस करें जिस जो भी आप अपना एरिया सिलेक्ट करें डेवलपमेंट का चाहे कोई भी फील्ड हो अभी हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं या वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अगर आप वर्ड पेस पर फोकस कर रहे हो तो सिर्फ उसी पे रहो दो तीन साल चार साल पाँच साल इवन मुझे दिस इज़ माई नाइन्टीन ईयर मुझे उन्नीस साल हो गए हैं इस फील्ड में लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं सीख रहा हूँ और मैं डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ कोई ऐसी ए या कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका मुझे नहीं पता होता लेकिन मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ जो मुझे अपने आप को अपडेट करना है इवन मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास पाँच या छः साल का एक्सपीरियंस होता है और वो अपने आप को समझते हैं कि हम आ, पता नहीं कहाँ से उतर हुए हैं ठीक है दे थिंक लाइक दे आर सुपीरियर और यंग uh, जो अभी जो एमरजिंग बंदे हैं या एमरजिंग जो हमारे स्टूडेंट्स uh, हैं आई विल से आप लोग अपनी कम्यूनिटी बनाएँ दैट कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं खुद नेपाल uh, में वर्ल्ड कैंप था आई वॉज स्पीकर देयर मेरा पहला वर्ल्ड कैम्प जो मैंने अटेंड किया दैट वॉज इन ट्वेंटी फिफ्टीन इन मायामी और उसी में मैंने अनालिटिफाई जो कंपनी uh, है मेरी वो रजिस्टर कराई इसमें आई वुड लाइक टू से मोर अबाउट दैट वॉट इज एनाटीफाई सो देर थ्री पीपल माई यंगर ब्रदर हुज डिजाइन ऑल दैट दो इंटरफेसिस I coded everything, and there is one person who was living in US, and right now he is in Bangladesh. That is Mohammad Asif Rahman. Uh, so, Analytify is a company that is now a separate company registered in US. Wow. Adnan, आपसे एक question है, और वो है communities के बारे में. ये WordCamp की एक community है हमने इसका सुना है, और in fact हमारा WordCamp पे एक topic भी है, जो कि हमारे course का part है. आप हमारे पार्टिसिपेंट से आप हमारे ट्रेनि से आप हमारे स्टूडेंट से वर्ड कैंप के बारे में क्या शेयर करना चाहेंगे श्योर वर्ड कैंप एक ऐसा इवेंट है जिसमें वो लोग आते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं वर्ल्ड प्लेस में और ऐसे लोग भी आते हैं जो वर्ल्ड प्लेट सीखना चाहते हैं तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टेज पे दूसरे लोगों के साथ और स्टेज पे खड़े होकर वो ये भी बताते हैं कि हाउ मच मनी दे मेड इन वर्ल्ड कैंप म्यामी सम टोल्ड मी दैट ही मेड फोर मिलियन डॉलर और उसने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बताई कि हाउ ही डिड दैट क्या अभी हम लोगों ने जैसे वर्ल्ड पेस कम्युनिटी शुरू की है अभी दो वर्ड कैंप हुए हैं यहाँ पर और इन शाह आगे भी होंगे तो ये जो कम्यूनिटी है लोगों की कि लोग अपना एक्सपीरियंस आके वर्ल्ड पेस डिवेलपमेंट में शेयर करें कि उन्होंने क्या स्ट्रैटीज़ और क्या टेक्नीक यूज़ की है सो दैट इज़ बेसिकली तो आपको क्या करना है कि जब भी वर्ड कैंप हो या कोई भी वर्ड प्रेस कम्यूनिटी है आपके एड के कराची में है इस्लामाबाद में है लाहौर में है सियालकोट में है इवन बाक़ी शहरों में हैदराबाद फैसलाबाद जिधर नहीं है आपको ख़ुद ये कम्युनिटी क्रिएट करनी चाहिए और उन लोगों को ऐड करना चाहिए जो आपको लगता है कि ये यंग बंदे हैं और यंग पोटेंशियल लोग हैं जो वर्ड को सीखना चाह रहे हैं सो दैट्स हाउ यू शुड बिल्ड दैट वर्ल्ड प्रेस कम्यूनिटी जबरदस्त सो द की लेसन हयर इज आपने वर्ल्ड प्रेस को कम्युनिटी में सीखना है और कम्युनिटी में समझना है और एक कम्युनिटी बनानी है सो अगर आप इस्लाबाद और कराची में तो वहाँ पे तो वर्ड कैंप्स हो रहे हैं बट इवन इफ यू आर इन सियालकोट इवन इफ यूर इन गिलगितर वन ऑफ इन द स्मालस्ट सिटीज ऑफ पाकिस्तान यू शुड स्टार्ट अ वर्ल्ड प्रेस कम्युनिटी ऑफ योर ओन तो जिस तरह नान ने हमें ये एडवाइस दी यही एडवाइस आपके लिए इसी एडवाइस से आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग जर्नी ऑफ लर्निंग आपने सीखना है आपने समझना है और आपने साथ इस कम्युनिटी को ले कर चलना है और अदान का ये जो आ, प्लग इन है जिसका नाम है एनालिटिफाई इसको जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिएगा बिकॉज इसको यूज़ करते हुए आप अपनी वर्ड प्रेस की वेबसाइट्स पर एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर सकेंगे और यूज़ कर सकेंगे साथ ही साथ इनकी जो एडवाइस है हमारे साथ समझें हमारे साथ सीखें और हमारे जो ये वर्ल्ड के सुपर हीरोज़ हैं इनसे कनेक्ट करें बिकॉज वी वॉन्ट कि एक दिन आप ये सुपर हीरो बने एक दिन आप पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान को इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट बनाएं।